अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी अपनी ज़रीना ज़रीना खातून शोखला में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बिल्कुल आसान रेसिपी, बहुत ही मज़ेदार, मिनटों में तैयार होने वाली वेजिटेबल के हमारे ये ब्रेड रोल माशाल्लाह बनकर तैयार हो चुके हैं, सबके पसंदीदा। आप इन्हें बच्चों को दे सकते हैं स्कूल में टिफिन में डालकर, माशाल्लाह बिल्कुल आसान रेसिपी। चलिए अब हम रेसिपी की तरफ आते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपसे पहले हम आलू और गाजर काट लेंगे। गाजर और आलू को हमने अच्छी तरह से धो लिया है। अब हम छोटे छोटे क्यूब्स की शक्ल में काट लेंगे। इसी तरह से हम आलू को भी क्यूब्स की शक्ल में काट लेंगे। गाजर और आलूओं को हमने काट लिया है। आलूओं को हमने काट कर पानी में भिगोकर रख दिया ताकि ये काले ना पड़े। अब हम लेंगे एक शिमला मिर्च, चार पांच हरी प्याज, हरा धनिया, दो तीन नॉर्मल मिर्च, ये काट लेंगे। शिमला मिर्च भी हम क्यूब्स की शक्ल में काट लेंगे इस तरह से। लंबी लंबी हमने काट ली है, अब हम इस तरह से छोटी छोटी काट लेंगे। आलूओं को हमने उबलते हुए पानी में दो मिनट बॉयल कर लिया था ताकि ये कच्चे ना रहे और इनका मीठापन भी निकल जाए। इसी तरह हम गाजरों को भी उबलते हुए पानी में दो मिनट बॉयल कर लेंगे, हाफ गला लेंगे ताकि कच्ची ना रहे हमारी गाजर भी। सब मसाले हमारे माशाल्लाह कट चुके हैं। अब हम ले लेंगे दो से तीन टेबलस्पून ऑयल। हरी प्याज जो हमने काट कर रखी है उनका ये व्हाइट वाला हिस्सा सबसे पहले हम ये लेंगे, फिर आलू, गाजर, शिमला मिर्च, सबसे आखिर में हरी प्याज के पत्ते, हरी धनिया, हरी मिर्च। हल्का सा भून लेंगे हम हरी प्याज को। हरी प्याज का व्हाइट वाला हिस्सा भून लिया है हमने, अब हम आलू भून लेंगे। हाथ से ज्यादा गला लिया हमने आलूओं को। आलू भून चुके हैं, अब हम गाजर भून लेंगे। माशाल्लाह कितना अच्छा कलर आया है गाजर और आलूओं को मिक्स करके। और भी गाजर ली है हमने, ये दो से तीन मिनट तक हम गाजरों की भुनाई कर लेंगे। अब हम डाल लेंगे शिमला मिर्च, ये भी थोड़ी सख्त होती है। अब हम लेंगे थोड़े मसाले। मसाले हम वो लेंगे जो हमारी सब्जियों के कलर को डिस्टर्ब ना करें। नमक लिया है हमने 1 टीस्पून, ये हसबे जायका। जीरा ले लेंगे 1 टीस्पून, कुटा हुआ धनिया 1 टीस्पून, किसी हुई काली मिर्च लेंगे हम फुल भर के 1 टीस्पून, क्योंकि हम लाल मिर्च नहीं लेंगे वरना हमारी सब्जियों का कलर ख़राब हो जाएगा। ब्लैक मिर्च की जगह आप वाइट मिर्च किसी में भी ले सकते हैं। अब हम डालेंगे नॉर्मल हरी मिर्च। नमक और मिर्च आप अपने टेस्ट के हिसाब से लिया करें। सब्जियां आप इनकी जगह कोई और भी ले सकते हैं जो आपको पसंद हो, जो मौसम में मिलती हो वो आप ले सकते हैं सब्जी। सब्जियों के साथ आप बीफ कीमा, चिकन कीमा, मटन कीमा, फिश फ्राई का इस तरह छोटे छोटे पीस करके वो भी ले सकते हैं। अंडे को उबाल कर उसके भी पीस ले सकते हैं जो आपको पसंद हो। 4 से 5 टेबलस्पून हम दही ले लेंगे, इससे हमारे रोल का जो मसाला बनेगा बहुत ही मज़ेदार टेस्ट होगा। दही की जगह आप नींबू का जूस भी ले सकते हैं, टमाटर भी ले सकते हैं। टमाटर हमने इसलिए नहीं ली, हमने गाजर ले ली है ऑरेंज कलर की, तो टमाटर की वजह से इसका कलर डिस्टर्ब हो जाएगा और आलूओं का कलर भी फीका पड़ जाएगा, इसलिए हमने दही ले ली। दही हमने डाल दी है, अब हम इसे ढक देंगे, 2 से 3 मिनट तक दम पे रखेंगे ताकि सब्जियां हमारी कच्ची ना रहें। ब्रेड का हमने पूरा पैकेट ले लिया है, देखते हैं इसमें से कितने ब्रेड लगेंगे हमारे रोल बनाने में। ब्रेड को हम इस तरह से काउंटर पर रख के बेलन की मदद से बढ़ा लेंगे, इसे पतला कर लेंगे। दम पूरा हो चुका है माशाल्लाह, अब हम डाल लेंगे हरी प्याज की पत्तियां और हरा धनिया। फ्लेम हमने ऑफ कर दिया है, ये दोनों चीज़ें हमें क्रिस्पी ही चाहिए इसलिए हम इन्हें नहीं पकाएंगे। अब हम इस सब्जी को ठंडा होने के लिए रख देंगे। ब्रेड हमने सारे बेलन के साथ पतले कर लिए हैं, अब हम जो इसका इसका किनारा काट देंगे इस तरह से, छुरी की मदद से। बारिश आना शुरू हो चुकी है, आप लोगों को आवाज़ें आ रही होगी, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ बारिश का मौसम कितना मज़ेदार। वेजिटेबल हमारी माशाल्लाह ठंडी हो चुकी है, अब हम इसमें डाल लेंगे मायोनीज, इससे टेस्ट भी बढ़ जाएगा हमारे वेजिटेबल का।
और ये हमारे रोल में से सब्जियां निकलेंगी भी नहीं। 4 से 5 टेबल स्पून हम मायोनीज के डाल लेंगे। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे मायोनीज में वेजिटेबल। ब्रेड को हमने रख लिया है, अब हम इसके सेंटर में रखेंगे वेजिटेबल फुल भर के। इस तरह से हम हाथ की मदद से इसे रोल कर लेंगे। आखिरी वाला जो इसका किनारा है उस पर पानी लगा देंगे, इस तरह से चिपका देंगे इसे। ये वाले जो इसके किनारे आपस में मिल चुके हैं इन्हें अच्छी तरह हाथ की मदद से दोनों तरफ से चिपका देंगे। थोड़ा सा जो खाली रह गया था उसमें भी हम सब्जी कर देंगे इस तरह से दूसरी तरफ। खाली नहीं छोड़ना हमने। इसी तरह हम सारे रोल बना लेंगे। सारे रोल हमने भर लिए हैं माशाल्लाह सब्जियों से। अब हम इन्हें फ्राई करेंगे। पैन को हल्का सा ग्रीस कर लेंगे, इस तरह से हम पैन में रख देंगे रोल। हल्का सा ऑयल और लगा देंगे, इस तरह से इन्हें पलट लेंगे। बस हमें कलर देना है, जैसे तो हमारी सब चीज़ें पकी हुई हैं। माशाल्लाह सारे रोल में कलर आ चुका है, अब हम इन्हें उठा लेंगे। बिस्मिल्लाह। दूसरी बार भी हमने रोल रख दिए हैं, इन्हें भी इसी तरह से पलट लेंगे हम। हल्का हल्का सा हमने इस तरह गोल्डन कलर देना है इन्हें। आप देख सकते हैं नाज़रीन माशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार टेस्टी हमारे ये ब्रेड रोल बनकर तैयार हो चुके हैं वेजिटेबल के साथ। कलरफुल बनाने में बहुत आसान मिनटों में हमारी ये रेसिपी तैयार हो चुकी है। अगर हमारी आज की रेसिपी अच्छी लगे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर किया करें। बेल आइकन के बटन को भी जरूर प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।